आसमान और दूसरी फिल्म आपकी शरारत है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? झुक गया आसमान शरारत, ये दोनों फिल्मों का मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। अभी मैं झुक गया आसमान को कंप्लीट करूंगा, शरारत के कुछ एक सीन में खाली शूट करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सेकंड शेड्यूल में उसको कंप्लीट करूंगा। झुक गया आसमान का जो मैं इतना ही बता पाऊंगा कि उसमें थोड़ा एक अद्भुत लव स्टोरी है, जिसमें कि एक आत्मा का लव अपने पुनर्जन्म में खोए हुए लड़के को, जिसको वो कि पाना चाहती है और किस तरह से वो पाती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। फिल्म के टाइटल की बात की जाए, झुक गया आसमान, तो ये टाइटल किस बिना पे बना, कैसे बना, क्या है? झुक गया आसमान जो टाइटल है इसका, हमारा फिल्म का जो हीरो है वो हमने जो दिखाया है कि उसको एकदम मंद बुद्धि दिखाया है, जो कि मतलब बचपन से अगर बुक खोल के देख ले तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब एक अक्षर तक नहीं पढ़ पाता है, वो दिमाग से एकदम कमजोर है, जिसकी वजह से पूरा गांव सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अपने घर में उसकी इज्जत नहीं रहती है। तो एक दिन उसके साथ ऐसा चमत्कार होता है कि उस चमत्कार के जरिए वो बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाता है और बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी नोक पर नचाता है, तो इसीलिए वो आसमान को अपने नीचे कर लेता है, मतलब कि वो ऐसा ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसके आगे सब लोग झुक जाते हैं, नमस्तक हो जाते हैं। फिल्म शरारत के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिल्म शरारत में क्या है? जैसे देखिए, जैसे झुक गया आसमान एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी है, उसके शरारत उसके एकदम अपोजिट है, मतलब शरारत पूरी कॉमेडी मूवी है, जिसमें कि जिसके हीरो हैं राज रसीला और गौरव, ये दोनों फिल्म के अंदर कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे, फिल्म के सारे करेक्टर्स में कॉमेडी कर रहे हैं। फिल्म में गाने किस तरह के रहेंगे सर? गाने के बारे में मैं आपको बता दूं तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर है एस कुमार, दोनों गानों के म्यूजिक डायरेक्टर एस कुमार हैं और कबीर करके हैं, तो इन्होंने जो गाने लिखे हमने एक एक गाने को अच्छे से सुन के और अच्छे से फाइनल करके सुने हैं, तो यश कुमार ने जो गाने लिखे हैं जब वो सुनेंगे तो मैं इतना तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि हर तरह के दर्शक वर्ग को गाने पसंद आने वाले हैं, जन यंग एज से लेके ओल्ड एज तक के लोगों को। किस तरह की परिवारिक है या फिर कुछ? शरारत एक कॉमेडी फिल्म है और मिलके ना ये सॉरी झुक गया आसमान एक पारिवारिक फिल्म है, लेकिन शरारत भी कॉमेडी के साथ साथ पूरी फैमिली ड्रामा है, जिसमें कि पूरा परिवार का समावेश है और एक नए तरीके से हमने हंसाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को। दोनों फिल्म में स्टार कास्ट किस कौन-कौन है? झुक गया आसमान में राज रसीला, प्रकाश जैस, प्रियांशु सिंह और रेखा, ये आर्टिस्ट हैं। शरारत में भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभी उसके हम जैसे कि मैंने बताया कि अभी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, थोड़े बहुत ही पार्ट शूट कर रहा हूँ, तो उसमें बाकी के आर्टिस्ट का बाद में चयन किया जाएगा। प्रोड्यूसर दीनानाथ जी, आपका किस तरह का कंबाइन रहा इस फिल्म को लेकर? दीनानाथ जी के साथ में मैं कोरोना से पहले से ही इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और अब क्या बोले कि काफ़ी डिस्कशन होता था उनके हमारे बीच में, कैसे करना है, क्या करना है, काफ़ी हमने लोकेशन हंटिंग की है, मतलब अभी पूरा न्यू बॉम्बे, विरार, मुंबई में ही हम लोग को शूट करना था, तो ऑलमोस्ट हमने मतलब कि पूरा मुंबई का खाक छान मार के इतने खूबसूरत वादियों में भी हम लोग शूट कर रहे हैं। अगर फिल्म की बात की जाए सर, कितने सालों से इनके साथ फिल्म बना रहे हैं आप? दीनानाथ जी के साथ में एज ए डायरेक्टर ये मेरी स्टार्टिंग ही है, पहली और दूसरी मूवी बोल सकते हैं, इससे पहले इनके बैनर में मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर काम किया था, इनकी मूवी का नाम है चिराग, तो वहाँ पे शायद इनको मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगा, और उसके बाद में अभी मैंने हीरिये करके एक मूवी कंप्लीट की, एक पटना के बाबू मेरी मूवी कंप्लीट है, और प्रेम राय जी की जैसे कि मैं जाने मन टू कर रहा हूँ कल्लू जी को लेके, तो शायद उन सब चीज़ों का था कि दीनानाथ जी ने तुरंत मुझे कांटेक्ट किया और अपने को मुझे दो फिल्मों को ऑफर किया। शूटिंग तो हम लोग मुंबई में ही करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर ही करेंगे, अभी हम एक खार घर में पनवेल साइड में कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके बाद हम बेलापुर में जाएं, बेलापुर में एक शेड्यूल करें, और घूम के हम लोग शूट करने वाले हैं, विरार में करेंगे एंड मड में भी कुछ इसके पार्ट करेंगे। दर्शकों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक बार कास्टिंग बेशक नहीं है मेरी मूवी की, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहते हैं रियल में फ्रेश कॉन्सेप्ट, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मिलके ना होंगे जुदा को देखें, वो देखने के बाद आप जो शरारत देखेंगे तो वो उसका एकदम अपोजिट, लेकिन उसमें भी एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, मतलब कि जैसे सुनने में आता है कि भोजपुरी में ऑडियंस लोग फिल्म देखने जाते हैं और पहले ही अगला सीन वो बता देते हैं, तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये दोनों फिल्मों का अगला सीन ऑडियंस नहीं बता पाएगी, क्योंकि हटकर स्टोरी है। ये फिल्म कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगी सर, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? अभी हमारी कोशिश तो है कि
जैसे आज हमने शूट फिल्म का शूटिंग स्टार्ट किया है, तो 6 महीने तक पूरी 6 महीने के अंदर सब कुछ मतलब ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीट करके ऑडियंस तक हम लोग पहुंचा सकें, उसके बाद देखते हैं क्या हो पाता है। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।